उत्तर प्रदेश के आगरा एक्सप्रेस व पर वायुसेना के विमान 24 अक्टूबर को उतरने और उड़ान भरने का अभ्यास करेंगे। वैसे तो यह अभ्यास पिछले वर्ष भी हो चुका है, लेकिन इस बार परिवहन विमान भी इस एक्सप्रेस पर उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। इस बार वायुसेना के कुल 20 विमान एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। रक्षा मंत्रालय की जनसंपर्क अधिकारी मार्गी मलिक सिन्हा ने कहा है कि भारतीय वायुसेना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उनाव जिले के निकट एयर स्ट्रिप पर उतरने और उड़ान भरने का अभ्यास करेंगी। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 20 विमान हिस्सा लेंगे, जिसमें लड़ाकू और परिवहन विमान शामिल होंगे। इनमें मिराज 2000, जैगुअर, सिखोई 30 और AN-32 परिवहन विमान शामिल होंगे। उतरने और उड़ान भरने का अभ्यास 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से होगा। वैसे तो पिछले साल जब आगरा एक्सप्रेस वे की शुरुआत हुई थी, तब भी इस पर विमानों ने उतरने और उड़ान भरने का अभ्यास किया था। हालांकि इस बार भी खासियत यह है कि पहली बार यहां वायुसेना के परिवहन विमान इस एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। पिछले साल इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर 8 लड़ाकू जेट विमान इस पर उतरे थे और उड़ान भरी थी। सिन्हा ने बताया कि पहली बार परिवहन विमान इस एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। AN-32 विमान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए होते हैं। इसका मतलब यह है कि बाढ़ या किसी अन्य आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर ये विमान भारी मात्रा में राहत सामग्री लेकर यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा किसी आपदा के समय अधिक लोगों को यहाँ से कहीं और ले जाना है तो ये विमान उसमें मदद करते हैं।